खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन सदन में अशासकीय संकल्प लाने वाले बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक अशासकीय संकल्प लेकर आया हूं जो संविधान की धारा 30 है। मैंने ये बात कही है, कई जगह मैंने पढ़ा सुना है, जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10वीं और 12वीं में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटी में रहने वाले बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई करें। सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इस दिशा पर मेरा यह कदम है। विपक्ष विकास के मुद्दे पर भी खुश नजर नहीं आया। विपक्ष का काम विरोध करना है। मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जिसमें यह बात कही गई है। जो गतिविधियां वहां मदरसों में चलती हैं, प्रशासनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या बढ़ी है। हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए अशासकीय संकल्प लेकर आ रहे हूँ। इधर मदरसों को लेकर आए अशासकीय संकल्प पर आतिफ अकील भड़के हैं। उन्होंने कहा, मासूम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके प्रिंसिपल चंदा करके व्यवस्था करते हैं, उनका जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। यह वायरस इन लोगों के दिमाग में घुसा है, उसको निकालना पड़ेगा। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्ज्वल बन पाए। इसलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दिशा पर मेरा ये कदम। विपक्ष तो हमारे बजट से भी कुछ नहीं नजर आया, विपक्ष तो विकास के मुद्दे पर भी खुश नजर नहीं आया। विकास का मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन अंतर मन उनकी ये जानती है कि विकास के मॉडल पे किसी ने काम किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। विधायक ने कहा है कि मदरसों में अनैतिक गतिविधियां भी होती हैं, कई बार लोग पकड़ाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मीडिया ने ही हमको कई बार दिखाया है, आपने ही हम लोगों को दिखाया है। मेरे पास समूचे अखबारों की कतरने हैं जिसमें ये बात कही गई है कि जो जो गतिविधियां वहां पर चलती है वो मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोग देखते हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि माइनॉरिटीज के अंदर ऐसे बच्चे, आज आप, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब से IAS IPS के बनने की संख्या अल्पसंख्यकों की भी बड़ी संख्या में बढ़ी है। हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, हम उनके विकास के मॉडल पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए यह अशासकीय संकल्प में लेकर आ रहा हूं और सदन के सामने रखने वाला हूं। नरसिंह घोटाले को दबाने के लिए स्पष्ट है कि नरसिंह घोटाले को बचाने दबाने के लिए ये सब मापदंड अपना रही है सरकार, और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि मदरसे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। और ऐसे विधायकों को मेंटली डॉक्टरों को दिखाने की ज़रूरत है, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ। तो मैं उनके लिए डॉक्टर दिमाग का उनके लिए कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ मैं, और जैसे ही होगा तो मैं स्पष्ट बताऊंगा उनको कि कहाँ इलाज कराना चाहिए उनको। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।